नशे की लत से सिर्फ तन मन और धन की ही हानि नहीं होती बल्कि इसका असर परिवार समाज और देश पर भी होता है। नशे के व्यापार से होने वाली काली कमाई से देश विरोधी ताकतें और मजबूत होती है। कि नारकोटिक्स ट्रेड को एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स यानी असामाजिक तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो राष्ट्र की शांति और सद्भावना को नष्ट करने पर तुले हैं। नशे के चंगुल में फंसे युवाओं को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को संकल्प बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए त्रिसूत्रीय रणनीति से नशे के कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में काम शुरू किया और अनेक कदम उठाए, जैसे कि एनकॉट का गठन करना, एनसीबी को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी बनाना, जेसीसी का गठन, दोहरे उपयोग वाली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्थायी इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी, एकीकृत डेटाबेस निदान, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के ट्रेंड एनालिसिस एवं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए SIMS e-portal, राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पुल की स्थापना, ED और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा विश्लेषण व संपत्ति जब्ती इत्यादि। जो ड्रग के कारोबारी है, जो व्यापारी है, इसके सामने रुथलेस अप्रोच के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए हमने नहीं रुकना चाहिए। अगर ये करते हैं तभी जाकर इस लड़ाई को गति मिलेगी और लोग इस लड़ाई में आने से पहले अपने आप को हजार बार सोचेंगे। वर्ष 2006 से 2013 और 2014 से जून 2023 के बीच नारकोटिक अपराधियों की गिरफ्तारियों में 321%, कुल दर्ज मामलों में 199% और ड्रग सीजर में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसी नीति के तहत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम और गांजे की अवैध खेती पर रोकथाम के लिए ड्रोन, सैटेलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर एरिया मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खेती की पहचान के लिए NCB बिसाग एन की सहायता से वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी विकसित कर रहा है। वर्ष 2020 से 2023 के बीच NCB व अन्य एजेंसियों ने 35,592 एकड़ अफीम और 82,691 एकड़ गांजे की खेती को नष्ट किया है। पकड़े गए ड्रग्स का दोबारा उपयोग में आना भी एक बड़ी समस्या थी। इसका समाधान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इन मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 75 दिनों के दौरान 75,000 किलो मादक पदार्थों को नष्ट करने का लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इतना ही नहीं, लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 12,512 करोड़ रुपए के 12,19,399 किलो जब्त ड्रग्स को नष्ट किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान देश भर में जब्त ड्रग्स को नष्ट किया गया, जैसे बेंगलुरु कार्यक्रम में 9,298 किलो, चंडीगढ़ में 31,000 किलो, गांधीनगर में 12,438 किलो, गुवाहाटी में 40,000 किलो और नई दिल्ली में 1,44,000 किलो ड्रग्स। ये गृह मंत्री अमित शाह के कुशल, समर्पित और दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि नया भारत नशीले पदार्थ और उनके कारोबारियों को धरपकड़ और पकड़े गए ड्रग्स को नष्ट करने के नए रिकॉर्ड व कीर्तिमान बना रहा है।